राष्ट्र माता जिजाऊ माता को, राष्ट्र पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज जी को, विश्वगुरु बसवण्णा को, अंबेडकर जी को, सभी महापुरुषों को स्मरण करते हुए आज के इस पवित्र कार्यक्रम के दिव्य सानिध्य के स्थान पर बैठे हिरेमठ संस्थान के पीठाधिपति परम पूज्य बसवलिंग पटदेव जी को मेरा भक्तिपूर्वक प्रणाम। महाराज बहुत ही बढ़िया सा हम सब लोगों को मार्गदर्शन करें, खास करके मुख्य अतिथि के तौर पे महाराष्ट्र से धनंजय जी आए हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला निर्माण का समिति के अध्यक्ष हमारे मुकुंद बिरादर जी, बाल्की नगर पालिका के अध्यक्ष बसवा बंके जी, हनुमंतराव चौहान, यहाँ के इस गांव के बुजुर्ग श्री ईश्वर राव जी, विनायक राव बिरादर, श्री दयानंद सूर्यवंशी, श्री बंसीलाल भोराले, श्री किरण बिरादर, विलास पाटिल, यह हमारे ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, मल्लिकार्जुन राजकुमार जोधाब के, प्रशांत, और यहाँ पर बालाजी जो बहुत ही इस कार्यक्रम का बहुत ही जोशीले जो कि कार्यक्रम का आयोजक में बहुत पहले स्थान पे हैं, उनके साथ धन्ना जी यादव और भी बहुत से लोग बैठे हैं, पंचील है हमारे बाजूरगा से युवक मित्र, सभी लोग हैं, सभी का नाम लेना बहुत ज्यादा समय लगता है। तो उपस्थित सभी आयोजक भाइयों, यहाँ पर जो कलवाड़ी और अतराब से रामतीर्थवाड़ी के हैं, दाड़गी के और भी कई गांव से भी लोग यहां पर जो शिवभक्त हैं पधारे हुए हैं। यहां उपस्थित हमारे बहनों, माताओं, प्यारे बच्चों, माध्यम के मित्रों और साथियों सबको मेरा प्रणाम। भाई और बहनों, आज कलवाड़ी में जो राष्ट्र पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये जो अश्वारूढ़ पुतला का उद्घाटन हुआ है, ऐसे एक पवित्र कार्यक्रम में भाग लेना और खास करके मेरे हाथ से ही जो पूज्य स्वामी जी के साथ उद्घाटन होना, ये मेरा सौभाग्य है बल्कि मैं समझता हूं। प्रकाश बिरादर जी, प्रकाश राव बोले, प्रास्ताविक बात करते हुए उन्होंने जो 72-74 के समय में 48 साल पहले ये जो एक यहाँ पर व्रत बनाया गया था, एक सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भावचित्र लगा हुआ था, तो 48 साल से कोशिश चल रही थी कि बहुत बढ़िया सा एक अश्वारूढ़ पुतली छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पर निर्माण होना चाहिए। तो आज
आप लोगों के मेहनत से, आप लोगों के संकल्प से, आपकी सरकार से ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला का उद्घाटन हो रहा है। इसलिए मैं मेरे तरफ से आयोजकों को, यहाँ पर बालाजी है, मुकुंद है, यहाँ पर प्रदीप है, विनायक राव है, हमारे ईश्वर राव है, प्रकाश राव है, और यहाँ पर इस गांव के सभी ग्राम पंचायत के मेंबर भी पीछे बैठे हैं, भाई बहने हैं, सभी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जितने भी अभिमानी लोग हैं, आप सब लोगों को इसका श्रेय जाता है। इसलिए मैं मेरे तरफ से, सभी लोगों की तरफ से आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाई और बहनों, आज हम लोग महापुरुषों का जयंती मनाते हैं, उनका पुतली का लोकार्पण अनावरण करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? आज 392 का जयंती भी मना रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो महापुरुष, जो कि समाज के लिए, लोगों के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन पर्यंत समर्पण मनोभाव से, उनका जो तत्व सिद्धांत सभी को समान दृष्टि से लेके एक समाज निर्माण करना, सभी का दुख दर्द जो है ना उसका निवारण करना, सभी को सामाजिक न्याय देना, नीतिमत्ता के साथ चलना चाहिए, धर्म मार्ग के ऊपर चलना चाहिए, जो उन्होंने हमको संस्कार दिए, उनके जो तत्व सिद्धांत पहले उनके कार्यकाल में जितने प्रस्तुत थे, आज भी उतने ही प्रस्तुत है, कल भी उतने ही प्रस्तुत होने वाले हैं। उनसे ऐसे पुतली को देखने से दिन मुड़ते ही उनको, उनके जो सिद्धांत है, तत्व है, वो अपना के उसके ऊपर चलने का जो प्रयत्न करना चाहिए, उसको स्फूर्ति लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए, उसके लिए हम महापुरुषों का जयंती भी मनाते हैं, उनका पुतली का भी अनावरण करते हैं। ये हमको समझना चाहिए। हम बोले थे हम जयंती मनाने से वो बहुत जो है ना महापुरुष हो गए, ऐसा नहीं है। उनके कार्यकाल से, उनके कर्मों से, उनकी त्याग से, उनके विचार से ही वो लोग महापुरुष बने हुए हैं। तो आज हमको उनसे सीखना चाहिए उन्होंने क्या किया और हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। जहां पर समाज में आज जो भयानक वातावरण है, आज जो कलुषित वातावरण है, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र कलुषित हुआ है, वो राजकीय क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, तो इस कलुषित क्षेत्र से लोगों को बाहर लाना है, अच्छाई की ओर लेके जाना है, तो क्या करना चाहिए भाई? तो हम लोग महापुरुषों के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने का प्रामाणिक प्रयत्न करना चाहिए। तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयंती मना रहे हैं, तो उनको विचार करना चाहिए उनका क्या क्या योगदान है भाई। 392 साल पहले हमारे देश की क्या परिस्थिति थी? गुलामगिरी था, यहाँ पर आदिलशाही, यहाँ पर अहमदशाही, कुतुबशाही, ताकतवर मुगल राज था, कोई सुनने वाला नहीं था, लोग असहाय थे, यहाँ पर किसानों के ऊपर अन्याय होता था, अत्याचार होता था, उनका उत्पादन का लूटपाट होता था, कोई महिला सड़क पे खुलेआम घूम नहीं सकती थी, उनके ऊपर भी बलात्कार होते थे, लोग बिल्कुल ही परेशान थे। ऐसी अवस्था में जिजाऊ माता को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है, तो उन्होंने बाल्य से ही जिजाऊ माता ऐसा तैयार करते हैं उनको कि तुम आगे बनने जाने के बाद यहाँ पर स्वराज का निर्माण होना। हिंदू स्वराज बोले तो क्या है? स्वराज बोले तो न्याय नीति के ऊपर जो ना शासन चलना चाहिए, वहां पर न्याय के ऊपर काम होना चाहिए, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होना नहीं चाहिए। तो जो हम बोलते हैं हिंदू स्वराज का संस्थापक, तो हर जाति, हर भाषा, हर धर्म को लोगों को अपने साथ में लेके जाके सभी को न्याय देने का काम उन्होंने करने के लिए, उनमें जो कि संस्कार उन्होंने दिया, उनको महाभारत हो, वहां पर अच्छे जो कि रामायण का अच्छे पवित्र ग्रंथों का उपदेश देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, शस्त्रास्त्र का अभ्यास कराते हैं, वो जो वीरता, वो जो शूरता उनमें आता है, तो जिसकी वजह से 16 साल में ही
कईयों किलाओं को कब्जा कर लेते हैं, मतलब उनके ऊपर जीत हो जाती है। कईयों इसके बाद कईयों किला जो ना उनके उन्होंने सभी मुगल के ऊपर, अहमद शाह राजाओं के ऊपर, उनके ऊपर लड़ाई करते हैं, जीतते हैं, कुछ जो है ना एक राजा बन के रेतों का राजा बोलते हैं उनको, जानता राजा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, क्यों बोलते हैं? उस वक्त भी किसान लोग बहुत ही परेशान थे, उनके ऊपर टैक्स लागू होता था, उनका जमीन में कोई भी आ जाता था। ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने जो कि एक किसानों का और गरीबों का, शोषित लोगों का, सभी को मिला के एक सैन्य निर्माण करते हैं, उनमें एक स्फूर्ति निर्माण करते हैं। बनी युद्ध जो बोलते हैं, उनके जो शत्रु खेमे में उनके पास हजारों की संख्या में सैनिक था, उनके पास जो भी शस्त्रास्त्र थे, इनके पास उससे कम रहने के बावजूद भी छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी जो चाणाक्षता थी, उनकी जो दूरदर्शी थी, वो हमेशा जो ना युद्ध में जीतते जाते हैं, किलाओं के ऊपर राज करते जाते हैं, लोगों को न्यायपूर्वक नीति पूर्वक उन्होंने जो शासन दिया, तो उससे हमको सीखना चाहिए। तो आज की अवस्था में भी किसान लोग परेशान है, आत्महत्या कर लेते हैं, उनके उत्पादन का मूल्य मिलता नहीं। कोई भी सरकार क्यों ना था, कईयों नीतियां, कईयों कार्यक्रम बनाने के बावजूद भी हम लोगों को जब कभी भी अगर किसान के ऊपर अन्याय होता है, किसान के खिलाफ में अगर किसान विरोधी नीति बनाती है कोई भी सरकार, तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए और किसानों को न्याय दिलाने के लिए अगर हम लोग काम करते हैं, हमारे युवक लोग, सभी लोग मिलके, तो मैं समझता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयंती मनाने से वो सार्थक हो रहा है। अभी अभी सभी वक्ताओं ने कहा, पूज्य स्वामी जी ने भी कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा महिलाओं को बहुत बड़ा गौरव देते थे। जब शत्रु राष्ट्र की महिला को जो ना उनके सैनिक लोग, सेनाधिपति लोग, अगर जो भी अगर उनको वो लोग मिलते थे, तो भी छत्रपति शिवाजी महाराज का आदेश रहता था, उनके ऊपर कोई बलात्कार नहीं होना, उनके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार नहीं होना। और उन्हीं के सैनिक, उन्हीं के सेनाधिपति, अगर कोई शत्रु जो भी हमारे थे, उनके परिवार के महिलाओं को कोई छेड़छाड़ भी अगर करता था, उनको शिक्षा देने वाला, उनके ऊपर कड़ी कलम उठाने वाला कोई अगर राजा था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि उनको उनके माता जो माता का संस्कार था। तो आज हम लोग देखते हैं पूरे समाज में, टीवी देखो, पेपर देखो, कहीं भी देखो, दिन उठते ही इस जो ना बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, यहाँ पर बच्चों के ऊपर हुआ, महिलाओं के ऊपर हुआ, ट्रेन में हुआ, गाड़ी में हुआ, कार में हुआ, रस्ते में हुआ, दिल्ली में हुआ, जहाँ पर राष्ट्रपति है, जहाँ पर प्रधानमंत्री है, जहाँ पर बड़े बड़े लोग जो ना यहाँ पर स्थान पर बैठे हैं, उनके आजू बाजू घरों में हुआ। ये जो क्या चल रहा है, ये राक्षसी प्रवृत्ति जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर महिलाओं के ऊपर शोषण होता है, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो भी भक्त हैं, हम सब लोगों को आलोचन करना चाहिए। एक जन आंदोलन हमारे मां बहनों का रक्षण करने के लिए जो भी त्याग करना पड़े, और जो कोई भी उनके ऊपर आंख उठाता है, जो कोई भी बलात्कार करता है, शोषण करता है, उसको कड़ी सी कड़ी सजा होना चाहिए। और उसके साथ साथ सिर्फ कानून बनाने से ही समाज में बदलाव नहीं आता है, एक जन आंदोलन के तहत लोगों में जहां पर उनको जागृत करने का काम स्वामी जी से, महाराजों से, सभी के साथ करा के समाज में बदलाव लाने का कोशिश करना चाहिए। अगर जब तक रात को भी अगर कोई महिला अकेली कहीं भी अगर मिल सकती है, ऐसा एक माहौल अगर हम तैयार करें, पूरे बलात्कार, अन्याय, अत्याचार महिलाओं के ऊपर होने का अगर बंद हो गया, तो मैं समझता हूँ कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भी आदर्श है, उन्होंने जो काम किया, उनका जो जयंतोत्सव मनाते हैं, वो सार्थक हो जाए, आज हमको संतोष करना है। तो भाई और बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज
हमेशा संतोष है, बहुत बड़े प्रसन्न थे तुकाराम महाराज जी को। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जब तुलजा भवानी का तलवार भेंट दिया गया था, कैसे इनके पास जो चाणाक्ष नीति था वो नीति हम सब लोगों को अपनाना चाहिए। और जो कोई भी आज तो राज प्रभुत्व नहीं है, आज तो प्रजा प्रभुत्व है, प्रजा प्रभुत्व में प्रजा ही राजा है। लेकिन हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत से तालुक पंचायत से जिला पंचायत से विधायक है, लोकसभा है, एमपी है, कोई भी है, जो कोई भी आपके जनप्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधि को जो भी नीतिमत्ता के साथ चलने वाला है। अभी अभी महाराज जी ने बोला, कुछ स्वामी जी भी बोले कि व्यसन मुक्त समाज होना चाहिए। अगर व्यसन सभी लोग छोड़ देते हैं, नशा करना, शराब पीना, गलत रास्ते पे जाना, पाश्चिमात्य राष्ट्र का अनुकरण करना, क्योंकि हमारे युवकों में बहुत शक्ति है, बहुत उत्साह है, बहुत चैतन्य है, आत्मविश्वास पर्वत को भी जो ना हिला देता है, बोलते बोलते है ना, ऐसी जो है ना हमारे युवक लोग आज पूरे विश्व को बता चुके हैं हम किसी से कम नहीं है। क्योंकि कई इंजीनियर है, डॉक्टर है, विज्ञानी है, बड़े बड़े स्थान पे है पूरे विश्व में, अमेरिका, लंदन, पेरिस में वो सेवा कर रहे हैं, जो है विश्व में समाज बनाने का, राष्ट्र बनाने का, विश्व बनाने का काम वो कर रहे हैं। तो इतनी मेधावी है, इतनी शक्तिशाली है, तो कहां पर गलत हो रहा है भाई, हम सब लोग विचार करना चाहिए ना। आज आप लोग देखे अभी अभी कुछ दिन पहले जो लोगों का स्मरण बहुत कम रहता है, कोरोना सबको सबक सिखाया है, कोई विचार भी नहीं किया था, कोई तो करे थे क्या ऐसा लॉकडाउन हो जाएगा, ऐसा मास्क पहना पड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं रहने से, डॉक्टर नहीं रहने से, एम्बुलेंस नहीं रहने से लोग रोड पे जो ना जान उनके चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। एक अगर कोई घर में मौत हो जाती है, अंतर संस्कार भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कभी तो टीवी में पेपर में कोई कहानी भी कोई सुना नहीं। हम लोग पहले सुनते थे हमारे बुजुर्गों से कि प्रलय आ सकता है, प्रलय बोलते क्या है, क्या भूकंप हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा, ऐसा कोरोना के बारे में तो कोई सुना नहीं था। कोरोना में महामानवीयता भी देखे, अमानवीयता भी देखे, कई लोग अपनी जान को हथेली पे रखने की सेवा भी करे, कई लोग अपने खुद के लोग उनका सरकार भी अगर अंत्यक्रिया किया तो भी अस्थि को भी लेके जाने को तैयार है। ऐसे भी जो है ना परिवार के लोग हम लोग हमारे आंखों से देखे, तो क्या हो रहा है, जो प्रकृति विकोप हो रहा है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। जब कभी भी दुनिया में भूमि पे अन्याय अत्याचार बढ़ जाता है तो ऐसा होता है कहते हैं, तो यहाँ पर जो है ना स्वामी जी है, यहाँ पर आशीर्वचन करते हैं, यहाँ पर कईयों जगह पे हम देखते हैं महाराज लोग, क्योंकि वारकरी संप्रदाय और शरण संस्कृति के कोई अलग अलग नहीं है, कन्नड़ा मराठी अलग अलग नहीं है, भाई भाई है। कन्नड़ा का कईयों ऐसे शब्द हैं जो कि मराठी में एक ही है, मराठी के ऐसे शब्द हैं जो कि कन्नड़ा में है, दोनों भी समान है, ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसे इसमें अब हम लोगों को विचार करना चाहिए कि समाज में जो अनिष्ट है, जो पहले शिवाजी महाराज रूढ़िवादी के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किया, जो अंधविश्वास के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किया, तो वही आज भी जो अलग रूप से है, पहले जैसा था आज कुछ अलग है। अलग में कभी जाति के ऊपर, भाषा के ऊपर, धर्म के ऊपर दंगा फसाद होना, लोगों को अलग अलग बना देना, ये जो चल रहा है नीचे से ऊपर तक, लोगों को जागृत होना, लोगों को विचार करना, आज बोलने का है, करने का है, राष्ट्रीयता बोलते हैं, राष्ट्रभक्ति बोलते हैं, राष्ट्र प्रेम सबको है, सभी का अपने अपने धर्म का आचरण करना चाहिए, और जो भी दूसरे धर्म को गौरव करना चाहिए उनके जितने भी है, तो ये राष्ट्र धर्म जो माता है, तो हम सब लोग भारतीय सबसे पहले उसको हमको मनाना मानना चाहिए। ये जो है ये विचार रख के अगर आगे जाते हैं तो ही हमारे भारत देश का तरक्की हो सकता है, समाज बनाकर एक बहुत ही बढ़िया समाज हम लोग बना सकते हैं, सभी को सामाजिक न्याय भी मिल सकता है, सभी लोग आगे प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। बसवनाना भी वही कहा है, यहाँ पर जो भी यहाँ पारायण होता है वहां पर भी जो है ना वही कहा गया है सभी लोग। तो ऐसे में मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ
कि महापुरुषों का छत्रपति शिवाजी महाराज जी इस रास्ते पे चले, न्याय के ऊपर उन्होंने जो लड़ाई किया, तो न्याय के लिए स्वार्थ छोड़ के हम लोग भी समाज में हमारा भी कुछ ना कुछ तो योगदान होना चाहिए। आप लोगों को तो लड़ने की जरूरत नहीं है, तो जेल को जाने की त्याग करने की जरूरत नहीं है, बैठे जगह ही कितना हम न्याय कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ बैठे जगह दूसरा क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, नहीं करना नहीं करना, अगर ये सोचते गए तो समाज में बदलाव नहीं आ सकता। एक अच्छा सम्मुख समाज निर्माण करने के लिए हमारे युवक लोग हैं, उनको मुख्यवाहिनी में लाने के लिए हम सब लोग प्रयत्न करना चाहिए। बोल के कहते हुए कलवाड़ी, कलवाड़ी का नाम ये कोई अलग नहीं है, मेरा गांव फालकी रहते हो, मैं कलवाड़ी का रहने वाला ही बोल के समझ सकते हैं। क्यों पूछे, हमारा टीम टीम पे हम लोग यहाँ पर आना जाना सब कुछ है, और कलवाड़ी फालकी से 3-4 किलोमीटर दूर है। मैंने एक प्रस्ताव भी दिया है कि कलवाड़ी को भालकी के अंदर लेना है, भालकी के नगर पालिका के अंदर आना है, और भी ज्यादा विकास कर सकते हैं इसका। यहाँ पर जितना आपका खेत वगैरह है इसका भाव भी बढ़ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जब से आप लोगों के पूज्य स्वामी जी के, पिताजी के, माता जी के आशीर्वाद से तीसरी बार मेरे को MLA बना है, और MLA बनने के बाद जो बदलाव जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो प्रगति हो रही है यहाँ पर, पहले मैं बनने से पहले किस तरह के सड़क थे, किस तरह से पानी की किल्लत थी, समस्या थी, चारों की समस्या थी, कई और समस्याएं थी, तो आज बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ विकास की ओर हम सब लोग बढ़ रहे हैं, तो आज प्रगति हो रही है, आर्थिक दृष्टि से भी आप देख सकते हैं बालकी से यहाँ तक। तो मैंने एक प्रस्ताव भी दिया है, बालकी अभी म्युनिसिपालिटी, बालकी म्युनिसिपालिटी को नगर पालिका, मतलब 50,000 से ज्यादा आबादी है तो नगर पालिका बना सकते हैं। ये 3-4 किलोमीटर भालकी के व्याप्ति में भी आता है, तो आपका ये गांव कलवाड़ी, वहां पर जो रामतीर्थवाड़ी, गणेशपुरवाड़ी, धाराजवाड़ी, ऐसे 2-3 जितने वाड़ियां मिला के भालकी में लेके आपको, अब जो भालकी में मैं 140 करोड़ के लागत से 24/7 निरंतर पीने का पानी का योजना बनाया हूँ। कारंजा डैम से डायरेक्ट पाइपलाइन आता है, मैं मंत्री राज का बनाया, उसमें कलवाड़ी को भी मैं शामिल किया हूँ। कलवाड़ी है, कुटे सीसी है, धाड़ी है, चरकापुर है, कटकिंचोड़ी है, ऐसे 45-50 गांव भालकी के, 40% गांव डायरेक्ट उसमें ही लिया हूँ। अब भालकी में जितने लोग हैं सबको पानी की किल्लत, वो समस्या ही पूरा हल हो चुका है उनको, आप आज कोई पानी का समस्या ही नहीं। बड़े बड़े गांव में 4 दिन 8 दिन 15 दिन को एक बार पानी देते हैं, तो भालकी नगर में डेली पानी मिल रहा है, अब तो 24 घंटे पानी देना चाहिए घंटे के हिसाब से, क्योंकि हमने योजना बनाया है। और आपकी मांग भी थी ये, तो मैं आपको आज इस मंच के ऊपर से कह रहा हूँ कलवाड़ी के निवासियों को, कि थोड़े ही दिनों में आपको भी घर घर को नल दे के एक शाश्वत आपको शुद्ध पीने का पानी का योजना यहाँ पर 100% 100% यहाँ पर अनुष्ठान करा के हम दे देंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने कहा पहले 50 लाख दे के सीसी रोड वगैरह बनाया था, अभी भी कलवाड़ी में अगर कोई गली जहां पर जना सीसी रोड या नाली नहीं है, वो भी पूरा गली लेके पूरा जितना भी जो ना वहां पर पेंडिंग है वो पूरा योजना बना के गांव तमाम, आप लोगों को कोई कचरा विचरा नहीं रहना चाहिए, स्वच्छ गांव, सुंदर गांव बनाने के लिए जो भी योजना चाहिए वो योजना मैं बना के देता हूँ, बल्कि आप सब लोगों को बोला था। इसके साथ साथ यहाँ पर गरीबों को मकान देने का योजना में भी बहुत से लोगों को दिए, कुछ सरकार बदलने के बाद कुछ लोग कंप्लेंट भी करे, जो भी रहने दो, मेरा उद्देश्य यही है कि भालकी झोपड़ी मुक्त होना चाहिए, सभी लोग पक्का मकान में रहना चाहिए। मैं MLA बनने के बाद कम से कम भालकी तालुका में 26,000 परिवार को हमने पक्का मकान बनाने के लिए मैंने अनुदान दिया, उसमें जो है ना 16,000-18,000 लोग बना लिए, अभी कुछ 6-7,000 लोगों का इसी वजह से पेंडिंग है, वो भी आने वाले दिनों में संघर्ष चल रहा है, हमारा विधानसभा भी चल रहा है, आने वाले दिनों में भी जितने पेंडिंग है जितने बचे हुए, मत सोचिए कि देर तो हुआ है लेकिन दुरुस्त कहीं, हर तालुका में हर साल
जरा 500,000 आए तो मेरे तालुका में मैं हर साल 5-5 हजार 8-8 हजार मकान मंजूराती करा के इतना काम हुआ है, जितने बचे हुए उतने लोगों को भी दिलाने का योजना दिलाने का काम हो जाएगा बोल के मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ। और भी कुछ मांगे मैं समझता हूँ आप लोगों ने बोला है, एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आपने पूछा है, यहाँ पर तो मैं देखता हूँ यहाँ बसो नगर है, बसो नगर तक मैंने सोचा है कि बालकी में अब जो हम डिवाइडर बनाए, डिवाइडर बना के बीच में मीडियन बना के जो कि लाइट लगा रहे हैं रोड को जो है ना वाइडन करके वो बसो नगर तक एक्सटेंड करने के लिए मैंने आज आते आते आदेश दिया है, सूचना अधिकारियों को दिया है, तो बसो नगर तक बोले तो कलवाड़ी तक आए जैसा ही है, कलवाड़ी को आने के बाद आपका एरिया भी चमक जाएगा और इसका भी और भी मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आजू बाजू में कितना भी है। और आगे मैं योजना करूंगा यहाँ पर एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र जो भी यहाँ अस्पताल छोटा सा बनाने का जो व्यवस्था है क्लिनिक करने का उसका योजना उसका भी प्रस्ताव मैं सरकार को रखूंगा। उसके साथ साथ मैंने एक प्रस्ताव दिया है एक मोबाइल वेटरनरी हॉस्पिटल वो भी बालकी में चल रहा है, टेम्पररी तात्कालिक मैं भेज देता हूँ परमानेंट बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी बालकी में एक वेटरनरी हॉस्पिटल है, इसलिए परमानेंट बनाने के लिए योजना में जो नियम अब तक है उस नियम में आता है नहीं आता है वो मैं जो है ना विचार करता हूँ अध्ययन करता हूँ कोशिश करता हूँ, लेकिन आपके जो भी यहाँ पर लाइफ स्टॉक है समस्या नहीं हुआ जैसे व्यवस्था करने का काम हम करते हैं बोल के आप सब लोगों को मैं भरोसा देते हुए आज जो आप लोग इतने तादाद में इतने लोग पूरे हमारे माँ बहने बच्चे सभी सुबह से एक प्रोसेशन निकाल के 12 बजे से मैं समझता हूँ मैं बेंगलुरु में था कल आज महीने दिनांक दिया था आता हूँ उनके बोला था आने के लिए थोड़ा देर हुआ और एक कार्यक्रम देर हुआ उनके मंदिर का एक कार्यक्रम था वहां से छोड़ के मुझे आना नहीं हुआ महादेव मंदिर में कार्यक्रम रख लिए थे बालकी में इसलिए यहाँ आने को देर हुआ, तो भी आप लोग बहुत ही संयम से बहुत ही विश्वास के साथ यहाँ पर उपस्थित होकर मेरा आदर सत्कार सम्मान किया और बहुत अच्छी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयंतोत्सव भी हुआ और ये अश्वारूढ़ पुतला का जो है लोकार्पण भी कार्यक्रम हुआ है, तो इससे मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप सब लोग बहुत ही खुशी से इसमें शामिल हुए हैं और मेरे लिए भी आप लोगों ने जो कि यहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ सम्मान करने की वजह से आप सब लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद देते हुए फिर एक बार कलवाड़ी जो कि कलवाड़ी जो मेरा ही गांव है मैं कलवाड़ी का ही निवासी हूँ बोल के ही मैं हमेशा समझता हूँ, छोटे रह जब हमारे परिवार के साथ यहाँ पर एलामोसी के दिन हम यहाँ बैठ के आते थे मुझे याद है, अब थोड़ा जरा ज्यादा राजनीति में आने के बाद फिरना ज्यादा हुआ है, तो आप सब लोगों को फिर एक बार बधाई शुभकामनाएं देके छत्रपति शिवाजी महाराज जी को सभी महापुरुषों को स्मरण करके मेरा दुःशब समाप्त करता हूँ। जय हिंद।